पत्ता हमेशा प्रूफ का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तथ्यात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान ने अब से चंद लम्हात कबल फैसलाबाद में एक तकरीर से खिताब किया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर कमोबेश वही गुफ्तगू की जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज अपनी कौमी असम्बली के खिताब में की थी। अब से दो रोज़ कबल जनाब इमरान खान ने एक बार फिर, उनकी कोशिश ये थी कि मुल्क में जो इस वक्त दर्जा हरारत है, सियासी दर्जा हरारत, वो दर्जा हरारत उसी तरह से कम ना हो जैसे मुल्क में इस वक्त गर्मी के हवाले से दर्जा हरारत मौजूद है। इसलिए आज की तकरीर में जनाब इमरान खान की तकरीबन आधे घंटे जारी रहने वाली इस तकरीर में उन्होंने वही गर्मा गर्म गुफ्तगू की जो इससे पहले वो कौमी असम्बली की तकरीर में कर चुके हैं और हमारे टेलीविजन इंटरव्यू में भी कर चुके हैं। जनाब इमरान खान ने आज एक टॉक शो का अंदाज भी अपनाया जब उन्होंने इस जलसा आम में एक बड़ी स्क्रीन के ज़रिए दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से अहम शख्सियात जिनमें जनाब नवाज शरीफ की साहबजादी, उनके साहबजादों और जनाब खुद नवाज शरीफ और चौधरी निसार अली खान की गुफ्तगू में जो तजाद जो इन टेलीविजन स्क्रीन पे आप कई बार देख चुके हैं, इमरान खान ने फैसलाबाद के इस जलसे में एक बड़ी टेलीविजन स्क्रीन पे उसे भी चलाया और उन्होंने कहा कि उनके बकौल वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर में जब पनामा पेपर्स के हवाले से तकरीर की तो उसमें उन्होंने दरोगोई से काम किया। जनाब इमरान खान ने आज की तकरीर में अहमियत की बात यह है कि उस माहौल को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की जो कि पार्लियामेंट में तरतीब दिया गया है पनामा पेपर्स के हवाले से, जिसके लिए एक पार्लियामानी कमेटी तश्कील दे दी गई है जो कि अब आइंदा हफ्ते से काम करेगी और ये पार्लियामानी कमेटी वो TORs तश्कील करेगी जिसके ज़रिए फिर पनामा पेपर्स के हवाले से तहकीकात होगी। आज जनाब इमरान खान की तकरीर में कतन कोई ऐसी बात नहीं थी जो उस माहौल को मुतासिर करे, इसलिए आज की तकरीर सियासी तकरीर थी लेकिन किसी भी अंदाज से वो जो इस वक्त कंसेंसस बना है तमाम सियासी जमातों का पार्लियामेंट में वो मुतासिर नहीं होता जनाब इमरान खान की इस तकरीर में। इसके अलावा इसमें किसी अल्टीमेटम की, किसी एक रास्त कार्रवाई की भी फिलहाल जिक्र नहीं है इमरान खान की आज की तकरीर में, जिसमें कि उन्होंने एक बार फिर बताया कि इस वक्त मुल्क माशी बदहाली से गुजर रहा है और इसकी उन्होंने कई वजूहात बयान की। जनाब इमरान खान की आज की तकरीर में एक बार फिर ये अंसर नुमाया हुआ पिछले तीन दिन में कम अज़ कम चौथी बार जब उन्होंने कहा कि अगर हिज़्बे इख्तिलाफ़ की जमातें उनके साथ ना भी मिली तो वो फिर बराह रास्त अगर एक्शन उनको लेना होगा तो वो तनहा भी ये एक्शन लेने के लिए तैयार है। पिछले चंद दिनों ही के दौरान जनाब इमरान खान को इस बात का एहसास हो रहा है कि शायद एट दी एंड ऑफ द डे इस तहरीक के आखिर में वो शायद तनहा ही रह जाएं जब बराह रास्त उनका मुकाबला हो हुकूमत के साथ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ। इसका इजहार पिछले तीन दिनों में वह कई बार कर चुके हैं लेकिन आज की तकरीर में भी उन्होंने इस बात को बहुत जोर दे के कहा कि अगर वो अकेले भी रह गए तो वो अकेले ही इस तहरीक को आगे लेके चलेंगे। ख्वाहिश उनकी ज़रूर है कि इसमें तमाम हिज़्बे इख्तिलाफ़ की जमातें सामने उनके साथ रहें, उनकी ख्वाहिश ज़रूर है लेकिन शायद उनको भी ये एहसास है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है और कई ऐसे आसार मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं कि ऐसा होगा भी नहीं। इसीलिए जनाब इमरान खान ने आज फिर अवाम को याद दिलाया और उनसे वादा किया कि वो तन्हा ही इस जद्दोजहद को लेके आगे बढ़ेंगे। हमने पीछे नहीं हटना, हम मौका देंगे और उसके बाद हमने अगर देखा कि हमारे साथ अगर बाकी लोग नहीं चलेंगे, और मैं कोशिश करूंगा सब हमारे साथ चलें, क्योंकि मियां साहब आपको पता है जमीर खरीद लेते हैं, बिजनेसमैन है, मौलाना फजल रहमान सबसे पहले पे क्या औरों को भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी पता चल जाएगा कौन किधर खड़ा है, कौन उधर एक तरफ करप्शन बचाओ तहरीक चल रही है और एक तरफ नया पाकिस्तान बचाओ तहरीक होगी करप्शन के खिलाफ। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको सब पता चल जाएगा।
जनाब इमरान खान ने यह बड़ी नाजुक बात भी की है कि जो सियासी जमात या सियासी शख्सियात उनके साथ नहीं आएंगी, दरअसल ये वो शख्सियात होंगी जिनको खरीद लेगी हुकूमत, और जिसके लिए उन्होंने नाम भी ले लिया मौलाना फजल रहमान का। उन्होंने कहा कि जमीर भी बिक जाते हैं, बार बार उनके दिल में यह एहसास हो रहा है कि शायद इस तहरीक में तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त हिजब इख्तलाफ में शामिल हैं उनके साथ खड़ी ना हो, और इसका इजहार उन्होंने परसों कौमी असेंबली में भी किया था। सिंसियर अकाउंटेबिलिटी के लिए प्राइम मिनिस्टर अपने आप को नहीं प्रेजेंट करेंगे। मैं आज मैं बाकी ऑपोजिशन की तरफ से तो नहीं कह सकता, मैं अपने और अपनी पार्टी की तरफ से कह सकता हूं कि हमारा फिर डेमोक्रेटिक राइट होगा कि हम सड़कों के ऊपर निकल के इंसाफ। जनाब इमरान खान क्या समझ रहे हैं कि क्यों वो तन्हा रह जाएंगे अब, और कौन सी सियासी जमात वाज़े तौर पे हिजब इख्तलाफ की बड़ी सियासी जमात उनके साथ नहीं मिलेगी। इस सिलसिले में उन्होंने आज मौजूदा हिजब इख्तलाफ की उनकी साथी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम तो नहीं लिया, मगर आज फैसलाबाद के जलसे में उन्होंने इस तरफ इशारा जरूर किया, वाज़े इशारा था। तमाम में सभी नंगे हैं, एक दूसरे के ऊपर फाइलें रखी हुई हैं, वो कहता है तुम करप्ट हो, वो कहता है तुम करप्ट हो, दोनों चुप हो जाते थे, ये चलता आ रहा था ड्रामा। मैं अकेला लगा हुआ हूं कहने कि जब तक इनका ऊपर से एहतसाब नहीं होगा करप्शन खत्म नहीं होगी। कभी भी करप्ट इंसान का एहतसाब नहीं कर सकता। तन्हा कोशिश जनाब इमरान खान ने भरपूर की है। सन 2014 में जब उन्होंने धरना दिया, लॉन्ग मार्च किया, ये वो मौका था जो जनाब इमरान खान ने अपनी और तहरीक इंसाफ ने भरपूर कुव्वत का मुजाहरा किया। कोई बड़ी सियासी जमात उनके साथ नहीं थी, मां सवाए अल्लामा ताहिरुल कादरी की पाकिस्तान अवामी तहरीक और जनाब शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग की। वो एक भरपूर बराह रास्त और पुरजोर कोशिश थी जो कि नाकाम हुई थी। नवाज शरीफ का तो कोई इखलाकी जवाज रह ही नहीं गया हुकूमत करने का, सारी ऑपोजिशन इस पे मुत्तफिक है। मियां साहब आपको रिजाइन कर देना चाहिए। मैं आपसे डिमांड करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तानी कौम की तरफ से, क्या आप रिजाइन करें। बिलावल ने भी गो नवाज गो का नारा लगाया। पीपल्स पार्टी ने तो मियां नवाज शरीफ की इस्तीफा का कोई मुतालबा नहीं किया। रायवंड के जो मोहल्लात हैं उनके बाहर जाके वहाँ धरना देंगे। अगर रायवंड में धरना पीटीआई करती है तो फिर उसका हम हिस्सा नहीं बनेंगे। आपने देखा कि अभी ही ये सूरत हाल मौजूद है जनाब इमरान खान की जारहाना बॉलिंग में। इस जारहाना सियासत में फिलहाल तहरीक इंसाफ तन्हा ही है। वो जारियत जो तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान दिखा रहे हैं, उनकी हिजब इख्तलाफ में ऑपोजिशन में मौजूद दूसरी साथी उस तरह से उसकी हम नवाई नहीं कर रहे हैं। वो पार्लिमानी कमेटी भी जो हिजब इख्तलाफ ने तश्कील दी है, जिसे टीओआर बनाने हैं और जो हुकूमत की 6 मेंबर कमेटी के साथ बात करेगी, उसके अंदर भी इस सिलसिले में वाजे अपनी अपनी पोजिशन मौजूद है जो सरासर मुख्तलिफ है जनाब इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की। मिसाल के तौर पर मौजूदा सूरत हाल में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिसका एक मेंबर आज हिजब इख्तलाफ की पार्लिमानी कमेटी में शामिल हो गया बैरिस्टर सैफुल्ला, वो खुद कहती रही है कि वो ऑपोजिशन को ही ऑपोजिशन के अंदर ऑपोजिशन है और इसमें कुछ पार्टियों को शक की निगाह से देखती है। इस सिलसिले में कौमी मूवमेंट कह चुकी है कि वो लोग जो ऑपोजिशन में हैं और उन पर इल्ज़ाम है करप्शन का, उनको भी उस एहतसाब में शामिल किया जाए जिसकी बात की जा रही है। ऑपोजिशन की एक और जमात अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह जनाब असफ यार वली ने कल बड़े वाजे अंदाज में कह दिया था कि वो वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा नहीं करते, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक वजीर आजम के खिलाफ पनामा पेपर्स के हवाले से इल्जामात साबित नहीं हो जाते तो वो मासूम ही है। ये अवामी नेशनल पार्टी का कहना था। कल ये बात भी खुल के सामने आई थी एक बार फिर जब पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब यूसुफ रजा गिलानी ने भी वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे को बिलावल जरदारी का महज तंज करार दिया था और उन्होंने वजाहत दी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराह रास्त वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा नहीं कर रहे। ये वही बात है जो जनाब खुर्शीद शाह इससे पहले भी कर चुके हैं। गोया के इस वक्त हिजब इख्तलाफ की तमाम सियासी जमातें उस जारियत में, इस सियासी
जारहियत में, इस एग्रेसिव पॉलिटिक्स में जनाब इमरान खान के साथ नहीं खड़ी हैं। और इस मामले में जनाब इमरान खान लग ये रहा है कि आज भी उस तन्हाई का शिकार है जो कि सन 2014 में उन्होंने देखी थी। तरीके साहब के चेयरमैन जनाब इमरान खान 2013 के इलेक्शन से कबल 2011 में कई बार कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों करप्शन, नाजायज असासों, टैक्स चोरी में मुलव्वस है और इन दोनों जमातों से किसी सूरत में सियासी इत्तेहाद नहीं हो सकता, उनके रास्ते नहीं मिल सकते, पीटीआई कभी उनके साथ नहीं मिल सकती। गो के आज पीटीआई जनाब इमरान खान न सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं बल्कि इस हिज़्ब इख्तलाफ में अपोजिशन में जनाब इमरान खान पीपल्स पार्टी की पुश्त पे खड़े हैं, जैसे कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े थे जिसमें जनाब खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद खिताब किया था और जहाँ पर जनाब खुर्शीद शाह, जनाब एतज़ाज़ अहसन के बाद जनाब इमरान खान ने खिताब किया था। इमरान खान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक सिक्के के दो हिस्से ही करार दे चुके हैं और इस सिलसिले में अब से पहले यानी कि पिछले चंद दिनों से पहले उनकी राय मुसलमा थी और हमेशा से यकसा। हम किसी उस जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे जिनकी लीडरशिप अपने असासे छुपाती है, जिनके बाहर बैंक बैलेंसेज हैं, जिन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए, जिन्होंने यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर के बैंकों में और बाहर जायदादें बनाई हैं। दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की क्यादत करप्ट भी है और इन्होंने अपने असासे भी नहीं डिक्लेयर किए। अखबारों में मैंने पढ़ा है कि मैं आसिफ जरदारी से अलायंस कर लूंगा, सरदार नवाज शरीफ से नहीं। मैं ऐसा कुफर नहीं कर सकता। हमारे और इनके रास्ते फर्क हैं, इन दोनों का एक ही रास्ता है। दोनों के पैसे बाहर पड़े हैं, दोनों की जायदादें बाहर पड़ी हैं, दोनों टैक्स चोर हैं, दोनों मनी लॉन्डरर हैं और दोनों अपनी करप्शन छुपाते हैं बेनामी अकाउंट्स के ऊपर। ये जनाब इमरान खान की पोजीशन किसी से छुपी नहीं है, लेकिन आज इसका इजहार वो थोड़े उस अंदाज से नहीं कर पा रहे बावजूद जो इससे पहले वो किया करते थे। लेकिन कल उनके एक बहुत अहम सियासी इत्तेहादी पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने उन्हें मुतनब्बे किया हमारे प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में, जब उन्होंने कहा ये मैच फिक्स्ड मैच था, नवाज शरीफ साहब की तकरीर के दिन का मैच, दोनों तरफ के दरमियान फिक्स्ड मैच था। और ये जो एहतजाज हो रहे हैं ये दिफाई और हिफाजती एहतजाज हैं, दिफाई और हिफाजती, प्रोटेक्टिव एंड डिफेंसिव प्रोटेस्ट। अब जनाब इमरान खान का आज एक बार फिर ये कहना और सरेराह ये बात करना कि वो चाहेंगी कि ऑपोजिशन की जमातें उनके साथ मिलें, लेकिन दरअसल उनकी दिल की आवाज़ ये बता रही है कि शायद आखिर में वो इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे लेके चलेंगे। तन्हा ही तहरीक इंसाफ को आगे चलना पड़ेगा और सियासी लुगत में इसे सोलो फ्लाइट करते हैं, कहा जाता है तो वो सोलो फ्लाइट ही होगी। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए, इस सिचुएशन के लिए, इस सोलो फ्लाइट के लिए मुकम्मल तैयार है? और अगर वो तन्हा इस तहरीक को लेके आगे बढ़ेगी तो उसकी कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, ये हम पूछते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमताज़ सीनियर रहनुमा जनाब असद उमर ने। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आपको क्या लगता है कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें हैं जिसमें MQM है, जिसमें ANP है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आपके साथी इस वक्त मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ़ का ये हिस्सा हैं तमाम सियासी जमातें, ये आपके साथ इसी अंदाज में आगे बढ़ेंगी जिस अंदाज से आप आगे बढ़ना चाहते हैं और इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक ले जाना चाहते हैं, चाहे धरना देना पड़े, चाहे सड़कों पर आना पड़े? आपको कितना यकीन है कि आपके साथ ये दूसरी सियासी जमातें, हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सियासी जमातें आपके साथ होंगी? देखिए, जो अपोजिशन की जमातें हैं उनका इत्तेफाक़ राय जो है वो क्यूआर के ऊपर है कि क्या वो चीज़ें हैं जिनके बारे में तहकीकात की जाएं, और उनका इत्तेफाक़ राय इस बात के ऊपर है कि खुसूसी कानून की जरूरत होगी जिसके तहत एक बाख्तियार कमीशन बनाया जा सके। यहाँ तक तो तमाम सियासी पार्टियों का इत्तेफाक है और इसीलिए इत्तेफाक़ राय से क्यूआर बना के दिए गए थे, पेश किए गए थे। उसके अलावा लाया अमल क्या है वो हर पार्टी अपने फैसले खुद करेगी और उसमें से कुछ पार्टी जो हैं वो शायद कुछ दो चार एकदम ज्यादा उठाएं, जिस तरह मिसाल के तौर पे तरीके साफ जो है
अभी इस सिलसिले के अंदर जलसे कर रही है जो दूसरी पार्टियां नहीं कर रही, लेकिन टीओआर के ऊपर और तहकीकाती कमीशन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस की सगराई में बनाने के सिलसिले में और खसूसी कानून के सिलसिले में तमाम पार्टी जो है वो अभी तक एक ही पेज पर है। लेकिन एक बात शायद तमाम सियासी जमातों की इतनी यकसा पोजीशन में नहीं है सर साहब। मिसाल के तौर पे एमक्यूएम जो कि आज पार्लियामानी कमेटी में शामिल हुई हिजब इख्तलाफ की जमात की हैसियत से, वो कह चुकी है कि वो हिजब इख्तलाफ के अंदर हिजब इख्तलाफ है और वो इस बात की हामी नहीं है कि जो भी तरीका कार तरतीब दिया जाए उसका फोकस सिर्फ एक खानदान हो। हिजब इख्तलाफ के अंदर भी अगर किसी शख्सियत का या शख्सियात का नाम आया है या करप्शन के हवाले से उन्होंने कर्जे माफ कराए हैं या दूसरे उन पर इल्जाम हैं, उन सबको इसमें समोया जाए। तो आपका ये कहना 100% दुरुस्त नहीं है कि हिजब इख्तलाफ की तमाम जमातें यकसा उनका मौकफ है तमाम मामलात पे? हमारा बिल्कुल इत्तेफाक है उनके साथ इसके ऊपर, और जो टीओआरज ऑपोजिशन की तरफ से फाइनलाइज किए गए थे और पेश किए गए उसमें एमक्यूएम भी शामिल थी। और आपको अगर मैं ये भी बता दूं कि जिस वक्त ओरिजिनल लॉ बन रहा था तो उसके अंदर डिमांड एक ये भी थी कि वजीर आजम जो है वो फिलहाल अपनी सीट छोड़ दें जब तक ये तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, और अक्सरियत सियासी पार्टियों की ऑपोजिशन पार्टीज की यही राय थी, लेकिन एक दो पार्टीज ने इससे इत्तेफाक नहीं किया और इसलिए इत्तेफाक राय के लिए हमने इसको छोड़ दिया था। लेकिन एमक्यूएम उन पार्टीज में शामिल थी जिनकी ये राय थी, और अगर आप उसको पढ़े गौर से जो ऑपोजिशन ने टीओआर दिए हैं तो वो आपको नजर आ जाएगा कि सिर्फ वजीर आजम और उनके खानदान के लिए नहीं है, वो तमाम वो लोग जिनके नाम इसके अंदर आए हैं पैनामा पेपर्स में या जिनके नाम के बाद में इंकशाफ हो तो उन सब के लिए वो टीओआर बनाए गए हैं। और आपको पता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि जो टीओआर हम बाकी सब के लिए और वजीर आजम के लिए बना रहे हैं वही टीओआर का इतलाक मुझ पर भी किया जाए। तो तहरीक इंसाफ को तो इस पर कोई एतराज नहीं है कि ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो सब भी पेश हों इसी एहतसाब के लिए। लेकिन असद साहब आपको पता है कि अवामी नेशनल पार्टी कल असद अली साहब ने खास तौर पे कहा कि जब तक ये तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता नवाज शरीफ साहब उनके अहले खाना और वो मासूम हैं उनको हम मुजरिम नहीं गिरदान सकते उनको गिल्टी करार नहीं दे सकते इसलिए हम उनके इस्तीफे का कतई मुतालबा नहीं करेंगे। मासूम तो पता नहीं है या नहीं है वो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये बातचीत हुई थी और जब एक से ज्यादा पार्टी मिलकर काम करती हैं तो वो कोई बात जो है किसी की मानी जाती है कोई दूसरे की बात मानी जाती है। तो ये उस वक्त इत्तेफाक कर लिया गया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ऑपोजिशन जो है वो डिवाइड हो जाए, तो हम चाहते थे कि जो टीओआरस पेश हो वो मुतफिका पेश हो, और इसीलिए उस जो तजवीज थी उससे पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पीटीआई और दूसरी जो जमातें थी जो इसके हक में थी उन्होंने अपने आप अपनी तजवीज वापस ले ली कि ठीक है हम इसके बगैर ही टीओआर पेश करते हैं ताकि तमाम नौ जो पार्टियां थी वो सब ऑन बोर्ड हो। तो वो तो इत्तेफाक हो चुका है उसके ऊपर, और फिर मैं वही पहले वाली बात दोहराऊंगा पीपल्स पार्टी भी उन जमात में शामिल थी जिनका ये ख्याल था कि अखलाकी तौर पर वजीर आजम को अपनी कुर्सी से हट जाना चाहिए उस वक्त तक जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ना पीपल्स पार्टी ना तहरीक इंसाफ ना कोई और सियासी पार्टी ये कहती है कि जो इंकशाफात हुए हैं बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के वजीर आजम को अब मुजरिम कर दिया जाए। आज इमरान खान साहब ने तीसरी या चौथी बार बात की तीन दिन के अंदर कि हिजब इख्तलाफ की जमातें साथ ना भी चली और नहीं चलेंगी तो तहरीक इंसाफ हर सूरत में इसको डायरेक्ट एक्शन करेगी, और जिसका मतलब हम यही निकाल रहे हैं कि सड़कों पर आएगी एक बराह रास्त एहतजाजी तहरीक करेगी। ये बात आपके इल्म में है कि वाज़े तौर पे पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी सड़कों के आने पर के ऑप्शन को और धरने देने के ऑप्शन को वाज़े तौर पे साफ अल्फाज में मुस्तरद कर चुकी है? आसार यही लगते हैं कि अगर आपने ये कोर्स का अप्लाया आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया तो बहरहाल तहरीक इंसाफ को खुद ही इसको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, दूसरी सियासी जमातें उसके साथ मिलके इस डायरेक्ट एक्शन में शरीक हो जाए। आज के दिन अब तक की सूरत हाल में ऐसा वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रहा है। नहीं, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो तहरीक इंसाफ अकेली नहीं होगी, पाकिस्तान के अवाम होंगे और तहरीक इंसाफ होगी,
देखिए बात बहुत सादा थी, तहरीक इंसाफ ने पहला काम तो ये नहीं किया कि सड़कों के ऊपर आ गए। तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि एक शफाफ जरिया अपनाया जाए, एक कानूनी तरीका अपनाया जाए, पार्लियामान के जरिए कानून साजी की जाए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तहत के जेर निगरानी तहकीकत कराई जाए। तो पूरे कानून के लवाजमात पूरे करते हुए ये तजवीज तहरीक इंसाफ ने रखी। इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं कि अगर ये जो एक बहुत ही जायज मुतालबा है पाकिस्तान के अवाम का, अगर वो पूरा नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हुकूमत मानने से इनकार कर दे तो हम चुप करके घर बैठ जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इत्तेदाब चाहते हैं, इस वक्त वो चाहते हैं कि जिस तरह बाकी तमाम दुनिया के अंदर एक तहकीकात ऑर्डर कर दी गई है, वहां पे तो आइसलैंड के वजीर आजम ने अपना इस्तीफा भी दे दिया, इसी तरीके से पाकिस्तान भी बाकी दूसरी दुनिया की जमहूरियतों की तरह नजर आए कि जहां पर कानून सब पर लागू होता है और जो भी जमहूरी जराए हमारे पास मौजूद हैं बशमूल एक सड़क पर आके एहतजाज करने के जो जमहूरियत का हिस्सा है, तो तहरीक इंसाफ उसको इस्तेमाल करेगी। तहरीक इंसाफ जो है जब तक पाकिस्तान के अवाम को साफ होता नजर नहीं आता उस वक्त तक ये जद्दोजहद नहीं खत्म करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असद उमर हमारे साथ थे। दूसरी जाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके कायद और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ है। इमरान खान के इस चैलेंज का, उनकी इस तेज़ बॉलिंग का भरपूर मुकाबला कर रहे हैं और इसके लिए खुद मैदान में उतरे हैं और मैदान का इंतखाब उन्होंने वो किया है जो इमरान खान का होम ग्राउंड है यानी खैबर पख्तूनख्वा। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के होम ग्राउंड पर इस वक्त जारहाना सियासी इनिंग्स खेलते नजर आ रहे हैं। पिछले कई रोज से ये हमने देखा है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस सियासी मुहिम में जब वो एक जानिब जारहाना बैटिंग कर रहे हैं, उनकी पार्टनरशिप इस वक्त है मौलाना फजल रहमान के साथ जो जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबरा हैं और जिनकी पार्टी का एक बड़ा असर है खैबर पख्तूनख्वा में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी एक बड़ी मुनासिब सियासी अहमियत है खैबर पख्तूनख्वा में और अब उसकी पार्टनरशिप जमीयत उलमाए इस्लाम के मौलाना फजल रहमान के साथ है। जनाब नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान मैदान में उतरे हुए हैं और आज सवात पहुंचे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आज उन मंसूबों का जो वो खैबर पख्तूनख्वा में इसका इफ्तिताह कर रहे हैं, पुरजोर तकारीर कर रहे हैं, अवामी जलसायाम से खिताब कर रहे हैं। आज सवात में जनाब वज़ीर आज़म ने किडनी सेंटर का इफ्तिताह किया जबकि मोटरवे, एक्सप्रेसवे और दीगर कई तरक्याती मंसूबों का ऐलान भी किया और उसके साथ ही उन्होंने बराह रास्त चैलेंज किया जनाब इमरान खान को। उन्हें पता था कि आज वो फैसलाबाद में खिताब करेंगे लेकिन उन्होंने आज पहुंचे सवात में और सवात वालों से खैबर पख्तूनख्वा वालों से कहा कि कहाँ है तब्दीली, मुझे तो तब्दीली कहीं नजर नहीं आई। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में भी तब्दीली लाएगी। जिस तब्दीली का ख्वाब आप देख रहे थे वो तब्दीली नहीं आई यहाँ पर, लेकिन अब आएगी, अब इंशाल्लाह आएगी और आकर रहेगी। थोड़ा ये सौदा महंगा रहा है आप, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर कुछ साल लग गए सबक सीखने में तो फर्क नहीं पड़ता। 2013 में अगर आप किसी झांसे में ना आते तो आज वाकई तब्दीली आ चुकी होती। इस जारहाना बैटिंग में जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो पिछले कई रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, आज उन्होंने जनाब इमरान खान को बराह रास्त इस अंदाज से निशाना बनाया कि उन्होंने कहा कि हमारे तरक्याती मंसूबों को निशाना बनाया जाता है, हमारी सड़कों पर तनकीद की जाती है और फिर खुद इन्हीं सड़कों पर आने की बात की जाती है। जनाब वज़ीर आज़म का ये भी आज का अंदाज बहुत जारहाना था, मुख्तलिफ था उनके जो नॉर्मल सियासी खिताब का अंदाज होता है उससे कहीं मुख्तलिफ था। कुछ लोग बात 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 पर कहते हैं हम सड़कों पे आएंगे, भाई सड़कें होंगी तो तुम सड़कों पे आओगे ना। मैं तुम्हारे लिए सड़कें बना रहा हूं, आ जाओ सड़कों पे, तुम आओ, हम सड़कें बनाते जाएंगे, ये सड़कों पे आते रहेंगे। ये अपना अपना मुकद्दर है भाई, अपना अपना मुकद्दर है, कोई सड़कें बना रहा है, कोई सड़कों पे आ रहा है।
कोई तीन हफ्ते की बात है, वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा का रुख किया है, यानी पनामा पेपर्स में तहरीक इंसाफ के मौकफ में शिद्दत आने के बाद जनाब नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के मैदान में उतरे हैं और पिछले तीन हफ्ते के दौरान उन्होंने हजारा, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में बड़े दौरे किए हैं, बड़े जलसों से खिताब किया है, तरक्याती मनसूबों का ऐलान किया है। इस दौरान जनाब मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ रहे हैं। आखिरी जलसा यानी कि आज सवात के जलसे से पहले मंगल को मौलाना फजलुर रहमान के वो आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में पहुंचे थे, जहां पर एक पुरजोर जलसे से उन्होंने खिताब किया था। मौलाना फजलुर रहमान ने भी यहाँ गरजदार खिताब किया था, वजीर आजम की मेजबानी की थी। यहाँ वजीर आजम ने ज़रई यूनिवर्सिटी, गैस और फरहमी के मनसूबों समेत 121 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ऐलान भी किया। ये एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल था मौलाना फजलुर रहमान और वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ की पार्टनरशिप बड़ी खुल के नज़र आ रही थी डेरा इस्माइल खान में, जहाँ जो कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान का आबाई घर है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब आज जुबानी ऐलान करने नहीं आए, सतासी करोड़ मौलाना साहब ये भी आप पे कुर्बान है, कुर्बान आपके लिए कुर्बान है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, भरपूर वो नवाज शरीफ का साथ दे रहे हैं, जनाब नवाज शरीफ ने खिताब के दौरान मौलाना फजलुर रहमान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया था। जैसे आपने सुना, जमीयत उलमाए इस्लाम से मुस्लिम लीग नून की लंबी पार्टनरशिप बन रही है, ये पार्टनरशिप की बात पहली बार बराह रास्त जनाब नवाज शरीफ ने की। उनकी फजलुर रहमान की पार्टनरशिप मुस्लिम लीग नून की और JUI की पार्टनरशिप, मौलाना फजलुर रहमान साहब का उनकी जमात का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि भरपूर वो नवाज शरीफ का साथ दे रहे हैं और असूलों पर साथ दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह फतह अल्लाह के फजल व करम से हमारी होगी और सुरखरू भी इंशाल्लाह हम होंगे। ये एक नई पार्टनरशिप बन रही है मुस्लिम लीग नून में और जमीयत उलेमा इस्लाम में, और ये पार्टनरशिप इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से एक देरपा पार्टनरशिप होगी। देरपा पार्टनरशिप के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने अपने खिताब में कहा था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पार्लियामानी कमेटी और जुडिशल कमीशन से फरार इख्तियार कर रहे हैं। जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब नवाज शरीफ चैलेंज का मुकाबला करने के लिए इकट्ठे नजर आते हैं, और फजलुर रहमान इमरान खान को जनाब नवाज शरीफ के साथ खैबर पख्तूनख्वा में ललकारते नजर आ रहे हैं, जैसा कि परसों डेरा इस्माइल खान में हुआ। पार्लियामानी कमेटी का आपने मुतालबा किया, वजीर आजम ने उसको भी तस्लीम किया, आप भाग गए, आपने कहा नहीं, वजीर आजम को आपने कहा FIA तहकीकात करे, वजीर आजम ने कहा बिस्मिल्ला FIA तहकीकात करे, अफसरान की निशानदेही आप करें, कमीशन मैं बनाऊंगा, तुम वहां से भी भाग गए। तुमने कहा कि आप अदलिया इसका एहतमाम करे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले करो, वजीर आजम ने मसला चीफ जस्टिस के हवाले कर दिया, अब तुम चीफ जस्टिस की तहकीकात से भी भागने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए कोशिश कर रहे हो कि बिल्ली ठेले से बाहर आ गई, वजीर आजम नहीं तुम खुद चोर निकले हो। जनाब नवाज शरीफ ने तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ लंबी पार्टनरशिप बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन हम आपको पहले भी अपने प्रोग्राम में आज भी बता चुके हैं कि सियासत में और पाकिस्तान की सियासत में पार्टनरशिप कभी ऐसे पार्टनर्स के दरमियान बनती है कि अकल दंग रह जाती है। दंग है ना अकल के इमरान खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज पार्टनर हैं, अकल दंग है कि आज शेख रशीद अहमद और बिलावल भुट्टो पार्टनर हैं, अकल दंग है कि इमरान खान अब इमरान खान जो है वो खुर्शीद शाह की पुश्त पे खड़े हैं, इसी तरह से अकल दंग है कि फजलुर रहमान और जनाब नवाज शरीफ पार्टनर हैं। नवाज शरीफ साहब के इस हवाले से जो
जज्बात रहे हैं, इससे पहले वो अपनी जगह हैं, लेकिन उनके करीब तरीन साथियों की भी जज्बात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। और उनके करीब तरीन साथियों में हैं जनाब चौधरी निसाली साहब, जो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, बड़ी मजबूत राय रखते हैं, अपनी राय पे कायम रहते हैं। आज यकीनी तौर पे उनके लिए ये एक मुश्किल लम्हात होंगे जब नवाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर्रहमान के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बना रहे हैं। जरूर जनाब चौधरी निसाली खान साहब इस मौके पे कुछ सोच रहे होंगे। कल जल मुशर्रफ के साथ थे तो उनके हराम को हलाल होने के फतवे देते थे, आज जरदारी साहब उनको बुलाकर कुछ फूंकते हैं या उनकी खिदमत करते हैं तो फिर वो उनके हराम को हलाल करने के फतवे देते हैं। मौलाना फजलुर्रहमान जैसे हस्ती से आपको और किस किस्म के बयानात की तवक्को है? हम तो कम से कम उनसे इसी किस्म के बयानात की तवक्को करते हैं। तबसरे की गुंजाइश तो नहीं है, लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे। अब हिजब इख्तिलाफ की जमातें और हुकूमत इकट्ठी हो रही हैं कि नैब नहीं किसी एक दूसरे एहतसाबी इदारे बनाने की जरूरत है, कौमी एहतसाबी इदारा बनाया जाए। पता नहीं क्यों नैब से तसल्ली नहीं है। सारी हिजब इख्तिलाफ की जमातें और खुद हुकूमती जमातें इस मामले पर इकट्ठी होती हैं। इसके बारे में बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। कल की बात है कि आईन में तरमीम की गई जब हिजब इख्तलाफ और हुकूमत जुड़ गए और उन्होंने फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमीशन की जो अहमियत इस वक्त दर्ज है आईन में उसको तब्दील कर दिया जाए। यानी कि ये शर्त के इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ताल्लुक सिर्फ अदलिया से होना चाहिए या साबिक जज साहिबान होने चाहिए, अब इस तारीफ को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। और इसके लिए एक बड़ी एक काबिल जिक्र और तकरीबन नाकाबिल यकीन एक कंसेंसस नजर आया है तमाम सियासी जमातों का जो जुड़ गई, और जिसके बाद ये तरमीम आइन की तरमीम जो है वो कौमी असेंबली से कल मंजूर भी हो गई और जिसमें किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की। हालिया दिनों में अगर हम गौर से देखें तो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान में एहतसाब की भरपूर एहतसाब की बात कर रहे हैं, एक कौमी एहतसाब की बातें की जा रही हैं और बारहा ये बात की जा रही है कि एक आज़ाद कौमी एहतसाबी इदारे की जरूरत है, एहतसाबी निज़ाम, कौमी एहतसाबी इदारा। इस मामले में भी तमाम सियासी जमातें अपनी टॉप लीडरशिप, उसकी तमाम लीडरशिप एक दूसरे से जुड़ी नजर आती है कि आज का पाकिस्तानी माहौल इस बात का तकाजा करता है कि पाकिस्तान में एक भरपूर एहतसाबी निज़ाम हो, आज़ाद भरपूर एहतसाबी निज़ाम हो और भरपूर आज़ाद एहतसाबी इदारा हो। तो ये बात खारिज़ इम्कान नहीं है कि मौजूदा माहौल में इस हवाले से भी तमाम सियासी जमातों में कंसेंसस हो जाए जैसा इलेक्शन कमीशन के मामले में हो, क्योंकि तमाम सियासी जमातों की चोटी के लीडर्स इसका तकाजा कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि ये अवान एहतसाब के एक जामे मुअसर और बेलाग निज़ाम पर गौर करे। ऐसे निज़ाम एहतसाब की तश्कील इस मसाक जमहूरियत की एक अहम शिक है जिस पर आज से कोई 10 साल कबल मैंने और मोहतरमा बेरिज भुट्टो साहिबा ने दस्तखत किए थे और जिसकी तौसीक दीगर तमाम कौमी जमातों ने भी की थी। मैं जनाब स्पीकर गुजारिश करता हूँ कि इस ऐवान में ऐसी मुशावरत का एहतमाम करें जो मुरवजा निज़ाम एहतसाब की कमजोरियों पर नजर रखते हुए एक ऐसा जामे निज़ाम वजा करे जिस पर पूरी कौम को एतमाद हो। कौम पहली दफा क्या चाहती है? इस मुल्क में एक ऐसा एहतसाब चाहती है और इसके बाद रिफॉर्म्स ऐसी चाहती है कि हमारी नैब आजाद हो, हमारी एफआईए खुद एक इंडिपेंडेंट स्कॉटलैंड यार्ड की तरह की बॉडी बने। सबको सर जोड़ के एक मरतबा बैठना चाहिए, सबको हुकूमत अपोजिशन हर जमात, कि जो हमारे पास ये एंटी करप्शन ने एफआईए ये तीन तीन चार चार अदारे हैं, कभी हम ये कहते हैं कि वो पर्सनलाइज हो जाते हैं, कभी कहते हैं कि स्टेट हुकूमतों के मोहताज होते हैं, उनके इशारों पे चलते हैं, विक्टिमाइजेशन करते हैं, लोगों को हुकूमत विक्टिमाइज करती है, शकों को। इस पर हम क्यों ना बैठ जाएं सारी पार्टियां, एक मरतबा एक ऐसा सिस्टम बना लें
जिसमें कुछ हुई ना उठे, जैसे हमने 18वीं तरबीन में एक कमेटी बनाई, उसने बैठ के एक सिस्टम बनाया और अब चल पड़े। देखिए, हम ये चाहते हैं कि इदारे जो करप्शन के खिलाफ काम करते हैं वो किसी हुकूमती दबाव, सियासी दबाव में आकर बगैर काम करें। कौमी असम्बली में भी करप्शन मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए एक कानून पर भी काम कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द असम्बली में भी पेश करेंगे। कोई फ़र्क नहीं है मौकफ़ में, चाहे जनाब नवाज शरीफ का हो, इमरान खान का हो, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का हो, जमात इस्लामी का। पाकिस्तान में कौमी एहतसाबी इदारा, कौमी एहतसाबी निज़ाम, आज़ाद निज़ाम की फौरी ज़रूरत है। इस पर बात करते हैं, उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमताज़ सीनियर रहनुमा, नामवर माहिर आइन कानून जनाब हामिद खान से। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। बज़ाहिर नहीं लगता कोई इख्तलाफ है पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात उसके चोटी के लीडर के दरमियान कि इस वक्त पाकिस्तान में एक आज़ाद कौमी एहतसाबी इदारा, कौमी एहतसाबी निज़ाम की फौरी ज़रूरत है। क्या ये बात खारिज अज़ इम्कान है कि ये एक इस कंसेंसस की बुनियाद पर वाकई कोई एक ये जो कौम की ज़रूरत है, जिसे जो तमाम रहनुमा हैं, तमाम सियासी जमातें जिसको कह रही हैं, ये ऐसा कोई निज़ाम, ऐसा सिस्टम जो है वो हम देखें, जल्द इस सिलसिले में कोई कंसेंसस हो जाए? कामरान खान साहब, कहने को तो सब कहते हैं, लेकिन सवाल ये कहने वालों का कौन हिसाब करेगा, यही मसला है। नीयतों का फुकदान है। ज़बानी बातचीत तो सारे करते हैं, सब कहते हैं एहतसाब होना चाहिए, कड़ा एहतसाब होना चाहिए, जब वक्त एहतसाब का आता है तो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बात यहाँ नीयत की है। मिसाल के तौर पर नैब का जब अदारा बनाया गया था, बज़ाहर तो अच्छा अदारा था, बज़ाहर तो उसको सारे इख्तियार दिए गए, लेकिन उसको जिस तरह से पहले मुशर्रफ ने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और बाद में जिस तरह पीपल्स पार्टी के दौर में, अब जिस तरह नवाज शरीफ साहब के दौर में इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे सारा मकसद ही निगेट हो गया। तो एक और कानून ले जाएंगे, उसको भी इसी तरह से बेकार और तो इसका इलाज क्या है फिर खान साहब, क्या इलाज है इसका? इसलिए देखिए, इसका इलाज बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल विल क्रिएट करने का है। या तो वो लोग सामने आए जो कि सही माने में ये काम करना चाहते हैं। ये कवानीन बनाने से मसले हल नहीं हो रहे। आप देखिए, आपके सामने नैब है, 2013 में जो मौजूदा चेयरमैन नैब है इसको लगाया गया, और ये बात पता थी नवाज शरीफ साहब को भी, ये बात पता थी खुर्शीद शाह साहब को भी कि ये शख्स करप्ट है, इस शख्स का रिकॉर्ड बहुत काबिल एतराज़ है। और पीटीआई की तरफ से मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की थी कि इसकी तकर्री जो है कलदम करारते हैं, बिकॉज इसका ये पुराना रिकॉर्ड है। लेकिन इसके बावजूद उसको लगाया गया और उसके लिए बजिद रहे, और आज तक 3 साल का रिकॉर्ड आपके सामने है। कोई काम किया उसने कब्रु जबान ने? ना उसका ना कोई उसका इरादा है। जब आप जानबूझ के तकर्री ऐसे लोगों की करते हैं जिनके बारे में आपको पता है कि वो आपके इशारे पे चलेंगे, और जब तक आप नहीं कहेंगे कोई एहतसाब का शुरू नहीं होगा, तो फिर उस सूरत में आप क्या हासिल करना चाहते हैं? यही जमा तफरीक, यही जबानी बातें, और यही अफसोस है इस मुल्क के जो इंसाबी निज़ाम का कि जब भी एहतसाब के लिए कोई कानून बना उसको साथ साथ नैब के कंडक्ट के हवाले से सवाल और उसके मुख्तलिफ ऑफिसर्स के हवाले से सवाल जवाब होते रहे हों, लेकिन हम नहीं आपकी इस बात को शेयर करते कि नैब चेयरमैन के हवाले से करप्शन की कोई बात, जब से वो चेयरमैन नैब है या उससे पहले, हमारी मालूमात में नहीं है। कम अज़ कम हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए, आप ज़रूर अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन हम उसको इंडिपेंडेंटली उसको एंडोर्स नहीं कर सकते। मगर इस वक्त जिस चीज़ की बात ही कर रहे हैं ये तमाम लोग, वो कर रहे हैं एक निज़ाम की, इस पर भी हमें एतमाद नहीं है, हमें इस पर भी शक है कि कोई नया निज़ाम, नया सिस्टम, नया कानून हम नहीं तश्कील दे सकते, तो सर फिर करें क्या? देखिए, बात ये है कि यहाँ पर मैं फिर वो अर्ज कर रहा हूँ कि जब तक इलेक्शन फेयर नहीं होंगे, जब इलेक्शन में रिगिंग होगी, जब बुनियाद ही सारे निज़ाम की
एक बुराई और एक गलत रविश है और उसको वहां पर नुमाइंदे वहां असेंबली में वो बैठे हुए हैं जिनको पता है कि वो अपनी सीटें हार चुके हैं लेकिन उन्होंने रिगिंग के साथ उन्होंने फ्रॉड के साथ वहां बैठे हुए हैं तो उन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अच्छी लेजिस्लेशन करेंगे। ये बड़ी बुनियादी बात है, मैं वैसे जिमनन बात करती है मैंने, लेकिन देखिए सब सारी बुराई की जड़ जो होती है वो फेयर इलेक्शंस ना होना होती है। तो एक तो ये इंश्योर करें, आज की जो तरमीम जिसका आपने भी जिक्र किया है मुझे उससे इख्तलाफ तो नहीं है, ठीक है, हमारा बहुत कड़वा तजर्बा हुआ है पिछले इलेक्शन में इन चार इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का जिनकी आज जून में टर्म ख़त्म हो रही है, ये खुलम खुला बदनवानी में चारों मुलविस रहे बराह रास्त और इनडायरेक्टली, लेकिन इनका एहतसाब नहीं हुआ और वो जा रहे हैं घर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब हामिद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा जनाब चौधरी खमर जमा की तरह जिनके बारे में जनाब हामिद खान साहब ने अपनी जाती राय का इजहार किया, हम इंडोर्स नहीं कर रहे हैं कि चौधरी खमर जमान साहब के बारे में कोई करप्शन की शिकायत कोई इस किस्म की बात सामने आई हो, उनकी जात के हवाले से कभी कोई इस किस्म की बात सामने नहीं आई है, बल्कि एक अबव बोर्ड सिविल सर्वेंट की पहचान है चौधरी खमर जमान की जो कि इस वक्त चेयरमैन नैब है। इसी तरह से चार इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान के बारे में जनाब हामिद खान साहब ने जो राय दी है ये भी उनकी जाती राय है। आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, एक जमाने में पीपल्स पार्टी की आंख का तारे थे राजा रियाज पंजाब में पीपल्स पार्टी की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे, सबसे वोकल सबसे ज्यादा नजर आते थे, थोड़ी देर कबल वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, जनाब इमरान खान उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, उससे पहले उन्होंने हमसे बात की उसकी वजह बताई, बहुत बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब। ये बताइएगा कि आपने पीपल्स पार्टी छोड़ने का क्यों फैसला किया है? एक तो मेरे पीपल्स पार्टी की एक आला शख्सियत के साथ इख्तलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और दूसरा ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो मंशूर था और जो सोच थी जो नज़रिया था, मौजूदा पीपल्स पार्टी उस सोच उस नज़रिए से हट चुकी है और आज इमरान खान साहब उसी तरह उसी सोच और उसी नज़रिए को आगे बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान के गरीबों की बात कर रहे हैं, करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो वो चीजें जो मैं राजा साहब इस वक्त पीपल्स पार्टी का मसला क्या है, सबसे बड़े मसले क्या हैं पीपल्स पार्टी के? पीपल्स पार्टी में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि पीपल्स पार्टी की जो क्यादत है उसे को सिक्योरिटी थ्रेट है और वो उस तरह अवाम में नहीं आ सकते जिस तरह बाकी लीडर आ रहे हैं, तो इस वजह से उन और आवाम का आपस में रापता या दूरी बहुत बढ़ती जा रही है, वो इस हद तक बढ़ रही है कि पंजाब के अंदर अब पीपल्स पार्टी खत्म होने को जा रही है सिर्फ उस रापते और उस दूरी की वजह से और उस जो एक आपस में रापते का फुकदान है और दिलचस्पी नहीं है पंजाब की सियासत में पीपल्स पार्टी की आला क्यादत को, इस वजह से पंजाब में इस वक्त पीपल्स पार्टी अपने आखिरी सांस ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राजा रियाज जो कि तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर तक के लिए कामरान खान को इजाजत, अल्लाह हाफिज़। नासिर।